हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 51 है। हम लोग वर्ब के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ 10 बजे आपको जूम ऐप का लिंक मिलता है जिससे आप निःशुल्क रूप से इस कक्षा में जुड़ते हैं। और बाकी प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं और भी वीडियोज वहाँ पे हिंदी ग्रामर के, और ढेर सारे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे हम लोग, दिख रहा है क्वेश्चन। जी भैया, सर फर्स्ट वाला होगा। हाँ, 7 का क्या बता रहे थे आपने? लाइड यहाँ पे झूठ वाला है, यहाँ पे झूठ बोलने से हाँ, मतलब नहीं, यहाँ पे लेटने ले वाला है। ले हाँ वाला होगा, LAY वाला। हाँ तो ले का क्या हो जाएगा? ले का पता लेटना, नहीं, अभी लर्न नहीं किया है। क्या होना चाहिए? ले लेट रात होगा। को लेटा कुछ हाँ, घंटों के लिए, कि लेट ऑन द ग्रास, वो घास पे लेट लेट होगा। गया, तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा स्पेलिंग होगा? LAID, LAYD, YD, LAID, LAID, LAID। अच्छा, लेड, LAID। लेकिन ले भी तो सर सेकंड फॉर्म होता एक है। मिनट, ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स, ले LAY नहीं फर्स्ट है, होते LAY हैं, गोइंग द कोल्ड। होगा भैया। वो ले लेट मतलब गया ना, लेटना, तो वो आएगा ना, ले LAY होगा। LAY। ही ले रूले LAY, यहाँ LAY नहीं, पे, एक बात, पहली बात कि लेट वी वन गया। ऑन द होगा ग्रास या फॉर वी टू आवर्स, होगा। वी वी टू, टू वी होगा, टू, वी टू, वी वी टू होगा। तो टू। अब ये लाई देखिए कि लाई का ले कौन सा ये है, लाई ले लेड है ना। जी हाँ, यहाँ पे क्या होना जी चाहिए? ले होना चाहिए कि वी लेड टू होना ले चाहिए? वी टू होगा ना, ले होगा। ले ठीक है, ले ही ले ऑन द लेना। ग्रास, ठीक है, फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज, देखे थे ना आप लोग वहां पे विंड नाउन वाले में, कि विंड ब्रीज और ब्रीज में मतलब क्या अंतर ठंड। था? यहाँ विंड अगर मतलब विंड विंड ये तेज हल्की होती मंद है, हवा, ब्रीज कूल ये होती हल्की है मंद, और बहुत प्यारी होती है धीरे हाँ, धीरे जब धीरे मंद मंद हवा चले तो ब्रिज का धीरे, यूज तो करते हैं, ब्रीज, और जब हवा तेज चले तो विंड है। तो विंड, ठीक है, यहाँ पे वो, विंड। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट ना होके ले हो जाएगा। क्लियर है? 8 का देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवर फ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज ग्रेट डिफिकल्टी। बैंक्स का यहाँ मतलब है अपने ओवरफ्लो होता किनारे, है, फ्लोड होगा, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो होगा सर। ड्यूरिंग द रेन सीजन मेनी ओवरफ्लो, फ्लो, रिवर्स फ्लो, ओवर फ्लोड, फ्लो फ्लोड होगा सर, फ्लो फ्लू, फ्लोड फ्लो होगा। फ्लोड, ओवरफ्लो। देखिए, फ्लो ये फ्लू सिंपल फ्लोन है, सिंपल प्रेजेंट, फ्लो, हाँ देखिए सुनो, फ्लोड होगा, ओवरफ्लोड वो फ्लो का है, फ्लो फ्लू फ्लोन। ओवरफ्लो का क्या हो जाएगा? होगा, फ्लो फ्लू ओवरफ्लो, फ्लोन होता है, और ये ओवरफ्लो ओवरफ्लो है, होता है, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोडेड, ईडी लग जाएगा, ओवरफ्लोडेड, बिल्कुल ईडी सही। लग तो जाएगा। यहाँ पे कौन सा वर्ब का यूज होगा? यहाँ पे सेकंड वर्ब फॉर्म, लगेगी, सेकंड सेकंड लगेगी, ओवरफ्लो, ओवर V2, V2, ओवरफ्लोडेड, ओवरफ्लोड हो जाएगा यहाँ पे, ओवर ईडी, FLOWED हो जाएगा। ठीक है, ईडी। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, मेनी रिवर्स, कई नदियां ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज ग्रेट डिफिकल्टी। क्या करती हैं कई नदियां? ओवरफ्लो देयर बैंक्स किनारों मतलब अपने, क्या कहेंगे, तट से ऊपर आ ओवरफ्लो को, जाते हाँ, हैं, किनारों अपने से बाढ़ अपने, बाढ़ हाँ, बांध से ऊपर या तट से ऊपर आ जाती हैं और काफी नुकसान पहुंचाती है या काफी मुश्किल पहुंचाती है, कह सकते हैं ग्रेट डिफिकल्टी। मुश्किल। 9 देखिए, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। अच्छा, फॉर ए वाइल का लेट मतलब होगा, बताइए, लेट, फॉर ए वाइल का मतलब क्या होता है? कुछ थोड़ी समय देर के के लिए, लिए, थोड़ी थोड़ी देर के देर, लिए, कुछ रेस्ट फॉर ए वाइल। हाँ, कुछ समय। देर तो के लिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस पार्ट में? लेट इसमें होगा पहले पार्ट में, लेट हिज लगेज, लेट इज लेट लगेज लेट होगा, असाइड लेट एंड की ले जगह डाउन लेट टू हो रेस्ट। जाएगा, यहाँ पे कौन सा, लेट, क्या हो जाएगा, स्पेलिंग क्या होगा उसका लेट, बताइए, LAID, यानी वी कौन सा? ले लेड लेड, वी टू, मतलब रखने के सेंस में है ना, लेट हो जाएगा ले का। वो अपने लगेज के बगल में लेट गया और ही थोड़ी लेड देर तक हिज लेटा रहा। असाइड, नहीं, ही बगल में नहीं लेड हिज लेटा, लगेज, ने अपना लगेज को लगेज बगल रखा रखा, उनके, असाइड, लगेज असाइड। और उसने कुछ देर के अपने लगेज को, लिए यानी फिर, और सामान को बगल में हाँ रखा और कुछ देर के लिए हाँ लेट गया, आराम आराम करने लेट के लिए, गया, आराम 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 करने करने उसके बगल में। आराम हाँ, करने के लिए एस कोई एस लेट गया। लिया, ठीक है, तो यहाँ पे LAID हो जाएगा। लेट, कौन सा टेंस है ये, कि लेड हिज वी लगेज? टू, पास टेंस टू वर्ब, इंडेफिनिट, पास इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट है, पास्ट है।
चलिए अगला, व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, बताइए कैलामिटी गैलेमेची अफेल द विलेज, किसको कहते हैं? जलवायु आपदा, आपदा आपदा आपदा, ठीक है आपदा। तो वेन कैलामिटी क्या होगा इसमें, किस पार्ट में एरर है, पहले में पहले क्या होगा, क्या गलत है और क्या होना चाहिए? आपको पता होगा व्हेन कैलेमिटी अब पार्ट वाइज देखिए, आप पार्ट वाइज देखिए। व्हेन कैलेमिटी बीफेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, मतलब कि मतलब आप पड़ा इनके ऊपर, पड़ा जब आपदा इनके ऊपर पड़ी तो बीफेल आता है इसके लिए। ठीक है कि ये क्या कहे कि फेल कैसा, यहाँ बीफेल हो जाएगा, बीफेल क्यों होगा, बीफेल का क्या अर्थ है, किसी घटना का होना, ठीक है, या आप पड़ना, जब ठीक है। कैलामिटी जब विलेज वालों पे क्या हुआ, आप पड़ा, आपदा पड़ी ठीक है, जब आपका घटित आ गई या घटित हो गई, दे फेस्ड इट ब्रेवली, उन्होंने उसका सामना काफी बहादुरी से किया, करा। ठीक है, तो यहाँ बीफेल हो जाएगा, BEFELL, ठीक है। चलिए बीफॉल का ये आपका हो जाएगा बीफेल, ठीक है। आगे देखिए 11, द असैसिन, अच्छा असैसिन का मतलब कोई बताए, एक मारना, मर्डर राजनीति का मर्डरर हत्यारा, जो मौत का वो लेता है, मारने वाला, सुपारी, हत्यारा कह सकते हैं, सुपारी जो लेता है हत्यारा मारने वाले, हत्या हत्या करने के कह लिए। हाँ यही बोल सकते हैं सकते हिंदी। हैं। चलिए द असैसिन एसेसिनेशन वास, बोलते हैं, हाँ वो तो मारने को, हत्या को, द एसेसिन वाज कन्विक्टेड हत्यारा, एंड हत्यारा बी होगा, हैंग, हाँ द असैसिन वाज कन्विक्टेड एंड टू ऑर्डर्ड बी टू हैंग, बी हंग, टू बी हैंग टिल डेथ, खूंटी खूंटी में टांगने के लिए ये उसको कह दिया गया। टू बी हैंग्ड होगा, टू बी हैंग्ड हाँ बिल्कुल सही, कन्विक्टेड का मतलब दोषी करार हुआ मतलब वो, उसे अपराध किया है, दोषी दोषी ठहराया अपराधी, गया, दोषी दोषी हाँ दोष सिद्ध हो गया ठहराया उसको, गया, एंड ऑर्डर्ड टू, दोष सिद्ध कह सकते हैं, कन्विक्टेड दोष सिद्ध हो गया उसको, दोषी ठहराया गया, एंड ऑर्डर्ड टू, क्या ऑर्डर दिया गया, टू बी हंग, हैंग का हंग हो गया, ये कपड़ा उपड़ा जो टांगते हैं हम लोग उसका ये हंग हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, फांसी से बहस है ना, फांसी पे लटकाने की बात हो रही फांसी है, का आदेश दिया गया। हाँ तो क्या हो जाएगा, टू बी हैंग, क्या हो जाएगा, हैंग एक ही लग जाएगा भैया, हैंग हैंग, हैंग क्या होगा यहाँ पे, हैंग हैंग हो गया, हैंग होगा, हैंग हेल्ड, हेल्ड तो नहीं होगा भैया, टू बी हेल्ड होता है वैसे, हैंग अरे हैंग हेल्ड नहीं होगा, हैंग हेल्ड तो छुट्टी के लिए यूज हैंग होता है, हैंग, HANGED, डी टू बी हैंग, हैंग टिल डेथ, हाँ वही ये ना कह रहा होता हूँ, है हैंग। जब तक बन ना जाए। हाँ हाँ अगला, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, सी अपार्टमेंट, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता है, क्लियर है रिटर्न, सभी को? इफ आई लीव नाउ, यदि मैं अभी जाता आई विल हूं नॉट बी एबल टू बैक बिफोर तो नाइन पी मैं एम 9 बजे रिटर्न, से पहले वापस नहीं आ पाऊंगा, तो ठीक है, तो रिटर्न है ही तो बैक फिर क्यों बिल्कुल लगेगा? बिल्कुल यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो इधर यही है कि रिटर्न के साथ आप बैक का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा इसका क्ये हो जाएगा, रिटर्न मतलब ही रिटर्न, वापस, एक बैक जो मतलब वापस, एक सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि आई विल रिटर्न यू बैक द फॉलोइंग थिंग्स टुमारो, मतलब रिटर्न यू बैक, दोनों हाथ हो रहे हैं, वापस कर दूंगा, रिटर्न यू बैक, तो ये गलत चीज, रिटर्न का रिटर्न वो ही हो खाली जाएगा, रिटर्न ही होगा, रिटर्न ही बस होगा, बैक हट नहीं भैया जाएगा। रिटर्न, हाँ ये रिटर्न बताइए, बैक बोलते रिटर्न हैं तो नहीं होगा, बोलचाल में ईडी लग जाए रिटर्न में, आई इफ आई लीव नाउ सिर्फ आई विल बी नॉट एबल टू रिटर्न नहीं नहीं बैक, नहीं 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 होगा, ईडी आई नहीं विल नॉट होगा, बी एबल टू रिटर्न बैक, B1 ठीक है, B1 सही है, इनफाइनाइट लगा है, ये यहाँ बैक सेंटेंस नहीं सही होगा, गलत है कि नहीं? यहाँ तो ठीक है, चलिए ये बताइए हमारा सेंटेंस, आई विल रिटर्न यू द बुक, आई विल रिटर्न यू, रिटर्न बैक, हाँ बोला आप था ये कहना अभी चाह रहे हैं, तो। आई विल रिटर्न बैक योर बुक, ऐसा करके कहना चाह रहे हैं, या हाँ रिटर्न यू बैक, बोल चाल में सर रिटर्न बैक बोलते हैं, चल चल लेकिन चल जो जाता है, ग्रामेटिकल, हाँ यहाँ पे जो है जी आपका रिटर्न के साथ बैक का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, एक ग्रामेटिकल साथ एरर दो है, दो लग रहा है ना, रिटर्न और बैक दोनों चीज का मतलब है वापस करना, बैक करना बट मतलब पीछे, इसी रिटर्न। प्रकार देखिए अब इसमें क्या है, और कुछ नोट में क्या दिया है बुक में, इसी बट सर प्रकार कभी कभी सेंटेंस में हम ये भी यूज करते हैं, आई विल रिटर्न बैक इन 2 मिनट्स, यही देखिए मेरा सवाल बोलने था। बोलने के क्रम में आप यूज कर लीजिए, लेकिन आप क्या करेंगे वहां पे बैक रिटर्न के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे,
ठीक है, ठीक है जी, ये गलत हो जाएगा, सीधा आप रिटर्न लोग गलत करेंगे। बोल रहे। हाँ, इस प्रकार रिपीट के साथ अगेन और इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज याद आ गया, देखिए यही चीज कह रहा था ना शिवानंद जी ने, कहा था शायद कि किसी ने, इंटर द रूम, सीधा इंटर इनटू द रूम, नहीं याद आया एक एग्जांपल जो रूम पूछा था कि के अंदर और एंटर द रूम रूम, के हाँ सीधा इंटर द रूम होगा, इंटर इनटू द रूम नहीं अंदर कहेंगे आप, ठीक है। और रिपीट अगेन, अंदर। ऐसे कहते हैं ना विल यू प्लीज रिपीट अगेन, वो ये भी गलत हो जाएगा, बोलने में तो चल जाएगा। अभी 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 सर मैं ये गूगल पे मैंने देखा है, रिटर्न बैक इज रॉन्ग यूजेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, रिटर्न इटसेल्फ मींस टू गिव बैक। बिल्कुल, तो वो वैसे हम लोग नहीं बता तो कहते रहे हैं, हैं, तब वही चीज से है। भाई अब वही के देखिए बता तो रहे हैं, सुनो भाई। क्या कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना विल यू प्लीज रिपीट अगेन, तो रिपीट अगेन बोलने में आप भले बोल दें लेकिन विल यू प्लीज रिपीट सही होगा, अगेन आप नहीं, रिपीट के साथ अगेन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप वही मतलब है, रिपीट का भी मतलब है कि दोबारा से, अगेन का भी मतलब है दोबारा से, है ना, तो दोनों सेम मीनिंग वाला यूज नहीं करेंगे। और क्या है इसके साथ कि आप कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 12, हाँ इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करेंगे, है ना, इंटर, ठीक है, ही इंटर्ड द रूम, इंटर ही इंटर्ड इनटू द रूम नहीं कहेंगे, ही इंटर्ड द रूम, ठीक है, रूम इंटर का मतलब ही अंदर जाना, क्लियर, ध्यान रखिएगा। 13 का देखिए, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही टू रिफ्यूज टू एग्री, टेक इट, टेक इट पर्स, ही रिफ्यूज टू टेक इट, एग्री इट हाँ तो टेक इट हो पार्ट ना, सी पार्ट में गलती है, पर्स, इसमें पर्स कौन सा, वो वो तो ठीक है पैसे सेंस, कुछ वाले, भी दिया, हाँ पैसा वाला दे या कुछ भी दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलिए ठीक है, विदाई समारोह में कोई पर्स आपको खरीद के दे रहा एक्सेप्ट होगा, हाँ इट, अरे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। टेक इट होगा, मतलब सी में है मेरे हिसाब से, टेक इट होना चाहिए, मतलब कोई दे रहा है गिफ्ट तो उसको हाँ एग्री नहीं करेंगे यहाँ पे, आप एग्री हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, करेंगे, तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे करेंगे, एक्सेप्ट होगा, एग्री एग्री कोई प्रपोजल थोड़ी ना, सुस्ता, जो एग्री ही रिफ्यूज टू सलाह, हाँ एक्सेप्ट इट का सलाह मतलब वाला क्या हो नहीं है गया, कि वह मना नहीं कर पाया ना, जी, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, अब किसका ट्रांसलेट करिए, व्हेन द कंपनी में कंपनी ऑफर, ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट, जब कंपनी ने जब उसके उसके रिटायरमेंट में कंपनी रिटायरमेंट में का क्या हो उसको जाएगा, गिफ्ट बटुआ, विदाई रिटायरमेंट मतलब समारोह, होता है विदाई विदाई समारोह, समारोह, विदाई समारोह, रिटायरमेंट, विदाई समारोह, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट का और कुछ होगा ना, कार्य, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, जब कंपनी सेवानिवृत्ति ने उसकी सेवानिवृत्ति पे उसे एक पर्स, बटुआ, मतलब क्या किया, ऑफर को क्या कहेंगे, बटुआ ऑफर उसको दिया तो मतलब उसने उसे लेने उसको से दिया, इनकार हाँ कर दिया, तो ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, वो उसने लेने से मना कर दिया, मना कर इनकार दिया, ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, कर दिया। हाँ सही है। अगला, द टिमिड, टिमिड का मतलब डरपोक होता है, ध्यान रखिएगा, द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन वेयर इट वॉज स्लीव्ड बाय द किडनैपर, क्लूड लीव्ड टू नहीं होना स्लो चाहिए प्लेन, भैया, सी प्लेन पार्टी में गलती है इसके, होगा, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल द सही है टू स्लो प्लेन स्लेड हो, भैया, हम बताएं, बोलिए बोलिए, नहीं, मेरे ख्याल से द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन इन टू अ नैरो लेन व्हेन इट वॉज स्लीव्ड बाय द किडनैपर, वही तो लिखा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अवेयर लिखा है भैया, स्लेन, स्लेन स्लेन होगा, होता है, स्लेन होगा, ल्यूड स्लेन प्लेन, होता है, प्लेन, मैकबेथ में था ना प्लेन, स्लेन, हाँ स्लेन, LAIN, SLAI, स्ले का, स्ले का वित्री है, LAIN, इसका मतलब क्या हुआ, SLAI, स्लेन का या स्ले का क्या मतलब है, मारा गया वैसा मारना, क्या, वेयर इट मारना, वाज स्लेन बाय द किडनैपर, ठीक है, मतलब चाकू से मारना होगा ना, वो तो स्टैब होता है, वो तो स्टैब कहेंगे ना, स्ले स्टैब स्लू को बोलते हैं स्लेन, चाकू से मारना, देखिए स्ले का क्या है, स्ले स्लू स्लेन, हाँ स्ले स्लू स्लेन वो तो स्लेन, सही है, मतलब क्या है स्ले का, हत्या किया गया, मारा गया, तो यहां पे आपका क्या गलती है, स्लूड के जगह आपका इट वाज स्लेन, ठीक है, वित्री है स्ले का। आगे 15 का, बीइंग इम्प्लिकेटेड इन अ मर्डर केस ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व मर्डर केसेस, बताइए
भैया मेरे पहले पहले पार्ट में गलती होगा, हैविंग बीन इम्प्लिसिटेड होगा सर। सोचिए, स्लेन स्लेन वो तो ठीक है, फिफ्टीन का, बीन फिफ्टीन का बताइए। मटर ही मस्ट कंसीव कॉन्क्लूसिवली मतलब इम्प्लीकेटेड मटर सस्पेक्टेड सस्पेक्टेड मतलब इसका चलो दिया ठीक का पुटिंग एन एंड टू डिबेट क्वेश्चन और डाउट, मतलब आपका डाउट वहां समाप्त हो जाए जहां, ठीक है, यानी किसी डाउट को समाप्त करना या किसी बहस को समाप्त करना कंक्लूसिवली का। कंक्लूसिवली मतलब होता है तो निश्चित रूप से निर्णय निर्णय या फिर करना या कुछ निर्णायक रूप से, बी पार्ट में प्रॉब्लम है निर्णायक जवाब। कौन से इम्प्लीकेटेड पार्ट में? बी में, देखिए बता रहा हूं, मर्डर के केस ये में जो वर्ड है ना इसका मतलब हुआ कि किसी बहस को या किसी शंका को या डाउट को खत्म करना, और सस्पेक्ट का मतलब क्या है, किसी पे शक करना, तो दोनों का अलग जिसमें अलग मतलब है, दोनों एक साथ कैसे प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग जो है ये यहाँ पे गलत है। ठीक, कौन से सुन इसको आप हटा दीजिए, बाकी सब सही है। ठीक है, यह सेंटेंस हो जाएगा, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वाज सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। ठीक है, ये दोनों का मतलब अलग है। सस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, जिसपे शक है, सस्पेक्टेड चश्मदीद मतलब चश्मदीद दवा सस्पेक्ट है। संदेहास्पद हाँ, इससे खाने वाले भी संदेह कहते हैं या ना कि संदेह हाँ किया ये सर, गया हाँ ये सस्पेक्ट है, संदेह मतलब इसमें शक है मुझे, है ना, इसमें शक है। संदेहजनक और कंक्लूसिवली का मतलब हुआ कि शक एक तरह से खत्म हो जाना, ये डिबेट खत्म होना, या शक जिस पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों अलग सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, कंक्लूसिवली यहां नहीं होगा। ठीक है, बाकी कई ऐसे हैं, अगर आप इतना भी फाइंड कर लिए कि बी पार्ट में रेड है तो भी आपका काम चल गया, लेकिन यहां पे आप समझ लीजिए। ठीक, अगला देखिए 16। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर, बताइए। भैया सी पार्ट में है, मतलब That somebody must have dared him to steal the car scooter. हाँ, dare to के प्रीपोजिशन लगेगा to, मतलब verb plus verb की फर्स्ट फॉर्म to plus verb की फर्स्ट फॉर्म हो बोला जाएगा। डेयर के तो साथ उसने हिमसेल्फ स्कूटर लगता चुराया है, उसका मतलब डेयर के साथ हिमसेल्फ लगता है शायद, क्या? टू Dare नेगेटिव himself होगा सर, steal चलता इन्फिनिटिव। थोड़ी ना होगा यार। डेयर Dare him टू, to देखिए steal क्या the कहता है, scooter. माय ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका डेयर के साथ जो है टू का यूज होगा। ठीक है, हो यानी जाएगा यहाँ क्या है, स्टील के पहले टू का प्रयोग करें, डेयर अगर मेन वर्ब है तो उसके बाद इन्फिनिटिव टू का प्लस बी वन का प्रयोग होगा, अतः टू स्टील का प्रयोग सही होगा। हिम टू स्टील द स्कूटर, ठीक है, यहाँ हिम के बाद टू का प्रयोग करना है। सही कह रहे हैं, माई स्कूल ब्रदर स्कूल है थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम टू स्टील, टू स्टील द स्कूटर। सही। हाँ ठीक है, हाँ क्या कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन फिर से समझ लीजिए, स्टील के पहले टू का प्रयोग करें, ठीक है, वो तो समझ रहे हैं, क्यों करना है, डेयर अगर मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब आपका यही है डेयर, साहस करना, तो उसके बाद एग्जैक्टली इन्फिनिटिव टू प्लस वी वन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद इन्फिनिटिव प्लस क्या है, वी वन का प्रयोग होगा आपका यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, टू स्टील द स्कूटर आपका सही होगा। ठीक है, डेयर्ड हिम टू स्टील द स्कूटर, क्लियर है। हरीश 18, व्हेन हाँ आई भैया वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, बताइए। बी पार्ट में गलती है, कुड होगा, आई कुड रन बिल्कुल फास्ट है कैन सही व्हेन पकड़, सही आई पकड़े हैं, कुड रन पास्ट फास्ट है की बात हो पास्ट रही की है बातें हो रही है, हाँ तो तो कैन वॉज कैन कीजिए का कुड हो जाएगा कैन का कुड हो कुड हो जाएगा, जाएगा बहुत बिल्कुल बढ़िया आसान सवाल और बिल्कुल सही जवाब, पास्ट में एबिलिटी को दिखा रहा है इसलिए कैन का कुड हो जाएगा। अगला देखिए 18। हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क, भैया बी पार्ट में हरीश है इसके, नीड नॉट नहीं नीड्स नीड्स होगा, मतलब सही जरूरत ए में कह, होगा नहीं भैया नीड्स मतलब तो आवश्यकता ही होते हैं शायद, तो जरूरत इसको हो आवश्यकता, जाती है किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में टू कम,
टू कम होगा, बी लगेगा। यहाँ पे ये था, ये मॉडल है यहाँ पे नीड्स। हरीश नीड नॉट, नीड्स नहीं, नीड्स लगेगा, नीड्स नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये देखो ऐसा मॉडल है, है, आपका ये मेन वर्ब नहीं है, ये मॉडल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मॉडल। एस ना हो के नीड लगेगा सीधा, हरीश नीड हाँ नॉट कम है यार, ओ और टू वाले नीड टू नीड के साथ ये नीड टू नहीं लगता, ये ठीक सब चीज। है, तो जी जी आपका हरीश नीड नॉट हो जाएगा यहाँ की, क्योंकि मेन वर्ब कम है, आना नीड्स मेन वर्ब नहीं है आपका, जरूरत वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये मॉडल के रूप में यहाँ पे नीड प्रयोग हुआ है, इसलिए आप इसमें एस नहीं लगाएंगे, नीड का प्रयोग करेंगे, हरीश नीड नॉट मेरा कम है यार, मॉडल क्लियर है, मॉडल वाले में देखिएगा उसको बताया था, एज थैंक इट यू इज, एज इट इज शायद। गेटिंग डार्क, क्योंकि शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, क्लियर है, यहाँ पे नीड होगा। 19 देखिए, ही डेयर नॉट टू गो देयर, भैया डेट्स होगा, 19 का ए में ही होगा क्योंकि डेयर यहाँ पर मेन वर्ब हो रहा है, मेन वर्ब में अभी एस या एस बताया था, लगता है, यही ही डेयर वाला आता है था, उसके बाद डेयर टू नॉट, इन्फिनिटिव। क्या होगा बताइए, सोचिए, ही डेयर नॉट गो देयर, वहां पे यहाँ क्या टू नहीं बताया था, लगेगा, हाँ यहाँ क्या यहाँ बताया था, बताया था अगर आपने अगर कि डेयर यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो आप टू पे प्लस वी वन का करेंगे आप यूज, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या डेयर मेन वर्ब का तरह यूज है, नहीं, नहीं, क्योंकि ही यहाँ डेयर पे नॉट गो देयर, मेन वर्ब नहीं है। नीड और डेयर वाला बताया था, एक टॉपिक अलग से था इसमें, नीड और डेयर का ही डेयर शुरुआत नॉट में गो चैप्टर देयर के, हाँ, तो यहाँ। यहाँ पे चूंकि जी डेयर मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे मॉडल। गो जो है आपका वो मेन वर्ब है, मॉडल के रूप में डेयर यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट एरर है, बी पार्ट एरर है। लेकिन सर, लेकिन जो मॉडल आपने बताया था ना, जैसे ओ टू डेयर नीड टू, तो मॉडल में डेयर टू होता है, ओ टू होता है, नीड टू होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे बताया कि आपने मेन वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है, ये मॉडल है, जो मॉडल है ना उसमें डेयर टू होता है, ओ टू होता है। देखिए मैं बताऊँ उसको क्लियर कर दे रहा हूँ, जी एक चीज आपका है डेयर और नीड का प्रयोग दोनों मॉडल और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज होता है, ठीक है, जैसे ही नीड्स मी था तो यहाँ नीड्स क्या है, मेन वर्ब है आपका, एक और एग्जांपल देखिए, सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक है, तो यहाँ डेयर के साथ आप टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि डेयर यहाँ पे है मेन वर्ब, ठीक है, अच्छा लेकिन वहीं पे अगर आप कहेंगे कि एक बात और बताता हूँ, डेयर वाला कहाँ गया, हाँ, अगर नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, ठीक है, तो निगेटिव वाक्य में नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, ये रूल है दिया है बुक में, ठीक है, फिर से समझिए, अगर नीड तथा डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, जो कि यहाँ पे हो रहा है, जी डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में, और सेंटेंस निगेटिव हो, सेंटेंस निगेटिव है, तो नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, नहीं जैसे आई नीड नॉट कम टूमोरो होगा, ठीक है, आई नीड नॉट टू कम टूमोरो गलत हो नहीं जाएगा, होगा ठीक है, जैसे ही डेयर नॉट चीट एनी वन अगेन, ये सही है, ही डेयर नॉट टू चीट नहीं एनी वन अगेन गलत हो जाएगा, गलत। बात समझ में आ गई, अजी और अगर यही चीज होता कि अगर डेयर या नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्य में हो, ठीक है, हाँ तो टू तो उसके लगाते बाद टू प्लस वी वन का प्रयोग होगा, बात समझ में, भैया, जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, यहाँ पे प्रयोग क्या है आपका, ही नीड्स है टू वर्क हार्ड, यहाँ मेन वर्ब तो आपका वर्क है, यहाँ पे लेकिन क्या है कि नीड्स के साथ आपने टू का प्रयोग किया है, क्यों किया है, क्योंकि तो सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब हेल्पिंग वर्ब में यूज हो, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो आप टू का प्रयोग करिए, सेंटेंस निगेटिव हो तो टू का प्रयोग नहीं करिए डेयर और नीड के साथ, चीज क्लियर हो गए, जी भैया, क्लियर है उत्कर्ष जी, ये चीज हाँ जी, हाँ जी भैया, पॉजिटिव निगेटिव है तो टू का यूज नहीं करना है, अगर हेल्पिंग वर्ब है, अगर मेन वर्ब है तो आप ठीक करेंगे, अगर इसमें भी पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो आप करते, निगेटिव में आप नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा ही डेयर नॉट गो देयर, टू का प्रयोग यहाँ गलत है, बी पार्ट में एरर है, ये नहीं होगा, एम आई क्लियर टू यू, यस, क्वाइट चलिए, क्लियर। 20, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, बताइए, पहले पार्ट में गलती है, ए पार्ट में सोचिए, यूज नहीं होगा, यूज 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 टू होगा।
यूज्ड टू प्ले, लिख रहा है, यूज लिखा है ना, ईडी ईडी लगेगा। लगेगा मैं पास्ट खेला करता था, हो गया, आज की बात हो रही है भैया। यूज यूज होगा, बिल्कुल सही। यूज टू व्हेन आई, यहाँ पे लिखे वन व्हेन आई वाज लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रयोग गलत है, करता था, ठीक है। यूज टू का ही प्रयोग सही होता है। आई यूज टू प्ले हॉकी, पास्ट का एक्शन दिखा रहा है, तो आपका यूज टू ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया भैया, चलिए अगला देख। 21, अ सोल्जर कुड अच्छा फाइट। इसमें 220 वाले में हमने सी पॉइंट को देख के बताया ना, यहाँ पे यूज टू होगा। व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, हाँ, पास्ट का एक्शन है और पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है। तो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए आप क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं, ना कि यूज टू, सॉरी यूज टू का होगा, यूज टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता भी दूं कि यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या सिचुएशन, भूतकाल की आदत अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, पास्ट की हैबिट है और उसको बताने के लिए यूज टू का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में होता है ना। और उसके बाद आपका कहा गया एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि कई वर्ब एग्जेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है, यहाँ टू के बाद बी वन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे बी यूज टू, एकस्टम टू, एडवर्स टू, विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवेन टू, टेकन टू, प्रोन टू, ठीक है। इन सब के साथ आपका क्या होगा, V1 plus ing लगेगा। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोक नहीं होगा, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग होगा, ठीक है, स्मोकिंग होगा। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मीटिंग यू। ये सारे जो है, ही वॉज यूज टू ड्राइव ऑन द राइट नहीं होगा, He was used to driving on the right होगा, clear है? चलिए, बात समझ में आ गई। यहाँ पे used to का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इसका rule भी revision हो गया। 21, a soldier could fight for his country and save his country's honor। बताइए। लड़ सकता है। B में होगा। Can fight। सोल्जर मस्ट करनी चाहिए, मस्ट फाइट होगा फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री इज ऑनर, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से कंपल्सन है, उसके कैन ड्यूटी है, असोल जरूरी है, जरूर करना चाहिए, होना चाहिए या शुड होना चाहिए, के लिए मस्ट या शुड होगा, मस्ट यहाँ पे ज्यादा सही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कहेंगे कि कैन, क्या गलत हो जाएगा? लेकिन देखिए, मेन है कि आपको इसमें क्या है, ऑप्शन तो दिए गए नहीं है, इसमें आपको पकड़ना है कि बस गलत कहा, ठीक है। तो यहाँ पे कुड लड़ सकता था ऐसा नहीं है, पार्ट बी में ही एरर है। आप यहाँ पे मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, सुड का, कैन का, ठीक है। तो यहाँ पार्ट इसमें एरर है, बस ये सब क्लियर ऑप्शन दिया होगा, तो उस हिसाब से सबसे सुटेबल हम देख लेंगे। 22, आई वुड रेदर डाई देन बेग। रेदर देन होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे पार्ट सी में प्रॉब्लम है, एरर है। देन के जगह क्या होगा, देन मतलब कब हो गया, देन मतलब तुलना, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा, पसंद करूंगा। आई वुड रेदर डाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन के स्थान पर देन का प्रयोग करें, वुड रेदर के साथ देन का प्रयोग होता है, वुड रेदर जहां भी होगा आपका, तो इसके साथ देन का प्रयोग होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपने मानस पटल पे अंकित कर लीजिए इन बात को, बिल्कुल। रन फास्ट Lest you will miss the train. बताइए। सी पार्ट है। सी पार्ट में गलती है। क्या प्रॉब्लम है सी पार्ट? You should miss होगा। Will नहीं होगा। Missed the train. क्यों होगा? Lest के साथ Lest का should का should लगता है। बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? Run fast, lest you should miss the train. तेज दौड़ो ताकि ऐसा ना हो। कहीं ऐसा ना हो। Train छूट जाएगी। हाँ। ठीक है। लिस्ट के साथ आपका क्या होगा, लिस्ट जहां भी होगा उसके साथ क्या होगा, विल शुड, शुड का प्रयोग होगा,
तो यहाँ पे सही सेंटेंस क्या होगा, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. ठीक है, ये लिस्ट जो है कौन सी फॉर्म है? फॉर्म नहीं है ये, इसके साथ वो कॉम्बिनेशन है. हाँ, जैसे कि आपका वुड रेदर था ना, वैसे ये भी है. अच्छा ठीक है, इसके साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे रेदर के साथ देन का है, इसे लिस्ट के साथ आपको शुड का प्रयोग करना है. ठीक है, जी भैया. ये शुड आएगा. ये अगला है 24. ही होप दैट ही विल पास द एग्जाम With flying colors. बताइए. ये बी पार्ट में गलती है. He would. ये होप है ना, वुड हो जाएगा, दिल का वुड. बिल्कुल सही कि उसने ऐसा सोचा. ठीक है, तो यहाँ पास्ट की बात है तो विल का क्या हो जाता है पास्ट फॉर्म? आशा थी कि वुड वुड हो जाएगा. डब्ल्यू ओ यू एल डी. ठीक है, वुड. चलिए 25 देखिए. यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स. भैया ए पार्ट में गलती होगा. ए में यू नीड नॉट, अभी बताता नेगेटिव पार्ट. सोचिए जरा, वर्ड हार्डर होगा. सोचिए जरा, फिर से सोचिए. मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए, सारे पार्ट पे एक बार नजर देखिए. पार्ट सी में गलती है सर, टू नहीं आ रहा इसमें. इसमें सी में गलती है, सी में ए वाले में तो वेस्ट आ रहा ना कि वेस्ट टाइम नीड नॉट वेस्ट टाइम नीड नॉट वेस्ट टाइम टू नहीं होगा. बिल्कुल सही, नॉट वेस्ट. अभी मैंने बताया ना कि क्या है आपका सेंटेंस, अगर निगेटिव है तो इसके साथ नीड के और डेयर के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो. ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट में एरर है, टू नहीं होगा. ठीक है, नीड नॉट के साथ सिर्फ वेस्ट का प्रयोग करिए, वहां पे ये नहीं होगा. तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन. क्लियर है, टू का प्रयोग गलत है. अभी पढ़े, अभी भूल गए शिवानंद जी. अरे भैया स्लिप हो गया, देख लिया जल्दबाजी का नतीजा. जी भैया चलिए आगे. शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन सी came to Delhi last month. B part में होगा. She break. She would. A part. She would break. She would break. She. क्या होगा? पहले part. She would break. She broke आएगा. Break. Would के साथ आपका हमेशा B1 का प्रयोग होगा. वुड के साथ B1 का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक होगा. ब्रेक 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 ब्रोक ब्रोकन होता है ना, तो B1 आपका यूज होगा, ब्रेक का यूज करेंगे. वुड वुड जो फॉर्म है सेकंड फॉर्म है ना पास्ट के. हाँ, विल का वुड होगा. हाँ, तो इसके साथ हमेशा B1 का प्रयोग होगा. ठीक है, तो शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे व्हेन सी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ. क्लियर है, चलिए फटाफट देख ले अगला. 30 तक आज कर ले कम से कम. 27. द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग. भैया मे की जगह माइट होगा. प्रेड है ना, यहाँ पे देखिए पास्ट की बात हो गई ना, उसने ऐसा प्रार्थना किया. मे माइट, तो मे की जगह क्या होता है? मे का माइट. माइट क्लियर है सभी को? मे का आप यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटेंस? द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग. ठीक है, मे का माइट हो जाएगा पास्ट में, यहाँ पे माइट कर दीजिए आप. मे की रमा मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक टू नहीं लगा, आगे बढ़ गया. 28. रमा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस. क्या होगा? मिस्ट्रेस. रमा मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट. टू हटा देंगे लाइक दैट. हाँ, लाइक दैट. क्या हो जाएगा? मस्ट नॉट टू के यहाँ टू नहीं होगा. ठीक है, टू को हटा दे. मस्ट नॉट और हैव प्लस V3 होता है इसका. ठीक है, मस्ट नॉट हैव और V3. टू यहाँ पे गलत है. पार्ट ए में प्रॉब्लम है, पार्ट ए गलत है. 29. वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल. शुड बी रिसाइकल्ड. बिल्कुल सही. ठीक है, शुड बी रिसाइकल्ड. यहाँ पे V3 का प्रयोग हो जाएगा. शुड बी के बाद V3 का प्रयोग होगा, ना कि V1 का. ठीक है, तो रिसाइकल को आप रिसाइकल्ड में परिवर्तित कर दे. ठीक है, पार्ट बी में एक दिक्कत है, रिसाइकल्ड हो जाएगा. 30.
गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन इंसेफ्लाइटिस बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर. या तो कैन नॉट बोलना होगा या तो बी एबल नहीं लगाएंगे. कैन नॉट भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं. क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे कैन नॉट लगाएंगे. या तो कैन नॉट या तो इज एबल, दोनों नहीं लगाए. कह सकते या तो कैन नॉट नहीं होगा, नहीं तो क्या कह रहे हैं? द गवर्नमेंट इज एबल टू कंटेन ऐसा, या तो इज नॉट बी एबल. टू एबल नहीं लगाए. द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू ऐसा भी कर सकते हैं, या तो द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन ऐसा या समर्थ नहीं है. किस पार्ट में प्रॉब्लम है, किसको करना चाहते हैं? बी बी में. बी में क्या करना चाहते हैं उसको? इसमें कैन नॉट कंटेन. क्षमता दर्शाता है, ठीक है, और एबल भी आपका वही क्षमता दर्शा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गए, सेम मीनिंग वाला है ना. कैन नॉट का भी मतलब वही है कि वो नहीं कर सकती है, और एबल का भी मतलब वही है, एबल टू. ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते थे क्या है, गवर्नमेंट cannot अगर लगा ही रहे हैं तो यहाँ पे be able to नहीं लगाएंगे, सीधा हो जाएगा the government cannot contain encephalitis by spending just 1% of GDP on health sector. ठीक है, ये अगर cannot हटा देंगे तो be able to contain सही रहेगा ना. cannot अगर हटाते हैं the government is not able to, is not able to. ठीक है, तब वहाँ पे is not able to लगाइए क्षमता वाला. क्लियर है? तो यहाँ पे बी एबल टू का प्रयोग जरूरी नहीं है, जो का प्रयोग जरूरी नहीं है जो क्षमता को दर्शाता है, यानी दोनों क्षमता की बातें कर रही हैं. तो एक को आप हटाइए, कैन नॉट वाला रहने दीजिए, बी एबल टू को हटा दीजिए. ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और कल हम लोग 47 तक कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे. एक बार फिर बता दीजिए. हाँ, एक बार फिर बता दीजिए. द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन इंसेफ्लाइटिस बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑन हेल्थ सेक्टर. बी एबल टू नहीं होगा. ठीक है, चलिए तो यहां तक आज हो गया. यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? एक मिनट से भी कम का समय है, फटाफट बताइए. क्लियर है यहां तक? जी भैया. ठीक है, चलिए, जो लोग यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब